नमस्कार देवी और देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कंप्यूटर वाप पर। और जो आज की वीडियो रहने वाली है, ये हमारी पिछली जो वीडियो है उसी का कंटिन्यू पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टर है उसका लाइफ साइकिल में क्या काम है और वो कैसे काम करता है, मतलब कब उसको एंगुलर कॉल करती है। उसमें एक प्रॉब्लम हमने देखी थी कि इनपुट बाइंडिंग जो होते हैं, एट इनपुट डेकोरेटर वाली जो बाइंडिंग होती है, उनका हम एक्सेस नहीं ले सकते कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज का, क्योंकि वो बाद में आती है हमारे पास, बाद में अवेलेबल होती है जब चेन डिटेक्शन मैकेनिज्म चलता है। कंस्ट्रक्टर पार्ट है हमारा क्लास को इनिशिएट करने वाली प्रोसेस का, तो उस टाइम तक वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। इनपुट बाइंडिंग्स में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी स्पेशल होती हैं, उनको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वो कौन सी होती है और कैसे एक्सेस होती है, वही आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में और मेरे पास मैंने एक पहले से कॉम्पोनेंट बना लिया इनपुट नाम का, एनजी जनरेट कॉम्पोनेंट करके सिंपल एक कॉम्पोनेंट बनाया। यहाँ पे जो इनपुट कॉम्पोनेंट है उसके, ये एक सिंपल एचटीएमएल का इनपुट रहने वाला, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लेस होल्डर या क्लास प्रॉपर्टीज है, मैं सेट करूंगा किसके थ्रू, ऐप कंपोनेंट के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं ऐप इनपुट को यहाँ पे क्या करता हूँ दिखा देता हूँ, और इस इनपुट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट नाम की टैग को बना लेता हूँ, जिसकी टाइप है वो मैं सेट करने वाला हूँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, कि पेरेंट बताएगा और वही इसकी टाइप हम रखेंगे। आई टाइप मैं इसको नाम दे रहा हूँ इनपुट टाइप। फिर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, टी एस में एक इनपुट बाइंडिंग ले लेता हूँ और मुझे पता है स्ट्रिंग टाइप की होगी, और यहाँ पे हम उसको दिखा देंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आई टाइप और इसको कर देता हूँ ईमेल। देखिए मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही किया है, लेकिन प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या होता है, आपको अगर पता हो, नहीं पता तो मेरी वीडियो देखिए। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग बना रहा हूँ, कि मतलब मैं उसको ब्रैकेट्स के प्रॉपर्टी बाइंड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ ईमेल और वही डायरेक्टली सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करता, प्रॉपर्टी बाइंड, तो पहले क्या होता, एंगुलर ढूंढती कि भाई ईमेल नाम का वेरिएबल क्या ऐप कंपोनेंट में है, उसकी जो वैल्यू होती वो इसको पास करती। पर जब हम ये नहीं लगाते ब्रैकेट्स, तो क्या होता कि ये एक स्टैटिक बाइंडिंग बनती है मेरी, कि जो चीज़ सामने दी हुई है उसको एज इट इज उठा लेती है। और इसका एक बेनिफिट भी है जो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। तो ये आई टाइप हो गया। पहले मैं आपको सिंपल इससे बताता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे करने वाला था, ईमेल को पास करने वाला था कि ये मेरी वैल्यू रही, उसको पास कर रहा हूँ, ये मैंने कोट के अंदर ले लिया ताकि मैं इसको दे सकूँ, आप चाहो तो वेरिएबल भी ले सकते थे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में अगर चेक करके देखूँ कि कॉन्सोल डॉट लॉग दिस डॉट आई टाइप, तो क्योंकि ये इंस्टेंस बनाना, जब इंस्टेंस बनाएगी एंगुलर तब उसकी प्रोसेस का पार्ट है, तो आई टाइप अवेलेबल नहीं होगा, वो अनडिफाइंड दिखा रहा है, अनडिफाइंड वहाँ पे वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। फिर अब हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना जैसे मैंने पहले किया था स्टैटिक इनपुट बाइंडिंग से, कि जो वैल्यू एज इट इज है वही चली जाए, एज ए स्ट्रिंग पूरा पूरा चला जाए, जैसे फॉर्म कंट्रोल नेम होता है उसमें कर देते हो ना, या फिर और भी हमारे पास कुछ जैसे एनजी क्लास भी होता है, उसमें भी आप डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिंग सेट कर सकते हो प्रॉपर्टीज का, ये सब चीज जो कि स्टैटिक इनपुट बाइंडिंग होती है। तो जब आप स्टैटिक इनपुट बाइंडिंग बनाते हो तो इसको आप कंस्ट्रक्टर में एक्सेस कर सकते हो, पर एक चीज है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको अभी भी चला के दिखाऊं तो तब भी वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक डेकोरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर में, जिसका नाम होता है एट्रीब्यूट डेकोरेटर। और इसकी मदद से फिर आपको बस इसमें बताना पड़ेगा कि भाई किसको आप चाहते हो। मैं कह रहा हूँ कि आई टाइप नाम की मेरे इस कंपोनेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लगी हुई है, उसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ टी में, और मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग टाइप की। फिर अगर मैं करता हूँ टी, तो आप देख पाओगे ईमेल वहां पे लिखा आ रहा है। तो एट्रीब्यूट जो डायरेक्टिव है ये क्या करता है, स्टैटिक इनपुट जो हमारी बाइंडिंग्स होती है उनकी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। मैं थोड़ा सा आपको इसको एंगुलर की टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। एंगुलर क्या करेगी, सबसे पहले कंपोनेंट देखा, उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी और कंपोनेंट ट्री में बनाएगी, ये सारी प्रोसेस चलती है हर एक कंपोनेंट के लिए। फिर उसके बाद वो चेंज डिटेक्शन चलाती है और प्रॉपर्टीज को सेट करती है। लेकिन जब हम ये आई टाइप इक्वल टू ईमेल करते हैं, याद रखो कि ये ब्रैकेट नहीं है, तो वो देखती है कि बार बार इसको मेरे को सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है उसमें हर एक चेंज डिटेक्शन में चेक होता है कि चेंज हुई है कि नहीं हुई है, चेंज हुई है तो प्रोवाइड करो। पर इसमें तो स्टैटिक है, वो कहेगी कि जो चीज है वही मैं एक इनिशियलाइजेशन के टाइम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें बस सिंपल लगाना है एट एट्रीब्यूट। इसका एक दूसरा बेनिफिट भी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है वो हर जब जब भी चेक कुछ भी चेंज आ रहा हो, कहीं पे भी चेंज आ रहा हो, जब भी चेंज डिटेक्शन चलता है एंगुलर का, हर बार वो क्या करती है, चेक करती है कि भाई इसकी वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको ऐसे किया होता
और यहाँ पे कोई वेरिएबल होता जो मेरा ऐप कॉम्पोनेंट से आ रहा है उसके थ्रू मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो एंगुलर क्या करेगी, जब भी चेंज डिटेक्शन आएगा वो देखेगी कि भाई इनकी बाइंडिंग की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई है। अगर चेंज हुई है तो मैं अपडेट कर देती हूँ, वो चाइल्ड को अपडेट कर दे, अगर नहीं हुई तो छोड़ देती है। अब सोचो कि कभी मान लो वो चेंज ही नहीं हो रही है, एक दो बार ही चेंज हो रही है, तो क्या होगा, एंगुलर हर बार उसको चेक करेगी और चेकिंग में टाइम जाएगा। वो हर बार चेक करेगी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, फिर दोबारा कभी फिर दोबारा ऐसे किसी ने बटन क्लिक किया कहीं पे कुछ हुआ, चेंज डिटेक्शन साइकिल चला, फिर वो चेक करेगी चेंज हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो बेटर ये रहता है जो एट्रीब्यूट हमारे पास ये वाला आप इस्तेमाल करते हो स्टैटिक इनपुट वाला, इसको वो सिर्फ फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन के टाइम ही सिर्फ आपको प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद कभी भी वो लाइफ साइकिल डिटेक्शन में इसको चेक नहीं करती है। एक्चुअल में क्या करेगी, इस पूरी चीज को इसमें कन्वर्ट कर देगी और जो भी उसकी वैल्यू थी, ईमेल थी आई थिंक, तो ईमेल इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा भी दूं तो वो इस चीज को ऐसे कर देती है जब हमारे पास ऐसे इस तरह से आ रहा होता। तो यहाँ पे इनपुट बाइंडिंग हट जाती है और वो इसलिए बार बार हर चेंज डिटेक्शन में चेक नहीं करती है। और इसलिए अगर आपको चाहिए कभी पता करना हो कि भाई इनिशियल वैल्यू क्या है, उसी बेस पे कोई एक्शन लेना हो आपको, तो आप इसका इस्तेमाल करके एक्शन ले सकते हो। हो सकता था मैं क्या करने वाला था कि यहाँ पे और फिर क्या करता, दिस डॉट इज ईमेल इक्वल टू, अगर टी की वैल्यू जो है मेरी वो मैच कर जाती है ईमेल से तो ट्रू, अदरवाइज फॉल, मतलब कोई भी आपको ऐसा एक्शन लेना हो। फिर मैं यहाँ पे चेक कर सकता था कि इज ईमेल ट्रू, अगर आ रहा होता वहां पे टेक्स्ट फॉल्स। देखिए यहाँ पे जो दिस ईमेल है ये इंटरनल हो सकता मैं इसका इस्तेमाल कर रहा होता कहीं पे और देन उस बेस पे कोई एक्शन ले रहा होता। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा करना हो जो इन स्टैटिक इनपुट बाइंडिंग से हो तो आप एट्रीब्यूट का यूज कीजिए, वो आपको बहुत लाइट वेट अप्रोच दे देता है। उसके कारण क्या होता है कि बार बार चेंज डिटेक्शन में नहीं चलता, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाती है। होप सो कि आपको समझ आया होगा, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी पता चल रहा होगा कैसे हम डिसीजन मेक करते हैं। पिछली वीडियो भी देखिए और ये वाली वीडियो भी देखें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। और अगर नई चीजें पता चल रही है अंदर क्या चल रहा है तो एक बार मेरी जो प्ले लिस्ट है उसको आप अच्छे से चेक करें। और अगर आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप कोई सजेशन हो, आप तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ अपने डिस्कॉर्ड का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे एनजी ऑन चेंजेस के बारे में। क्योंकि अभी तक जितना हमने देखा इनपुट बाइंडिंग्स कंस्ट्रक्टर में तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, पर ये एनजी ऑन चेंजेस नाम का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं और उनकी मदद से हम कैसे काम कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।